स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के चैप्टर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग स्कूल डेज से ही देखते आए हैं कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो और इसके अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा हो तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा का मान सी बाय होता था। यहाँ पर हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन भी यही है, ए जीरो एक्स एन ए वन एक्स एन माइनस वन से लेकर के अप टू ए तक, और यह nth डिग्री का है तो n रूट्स होंगे। और मान लेते हैं अगर n रूट्स हमारे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री से लेकर के अप टू अल्फा एन हो तो इन रूट्स और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए जीरो से लेकर के तक इसके बीच में क्या रिलेशन है, यही स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। आज का यही लक्षण होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर अल्फा वन इसका रूट्स है तो इसका एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा वन होगा, दूसरा रूट अगर इस अलजेब्रिक इक्वेशन का अल्फा टू है तो इसका दूसरा फैक्टर एक्स माइनस अल्फा टू होगा, और इसी तरह एक्स माइनस अल्फा थ्री से लेकर के एक्स माइनस अल्फा है। ए जीरो यहाँ पर इसलिए आया कि यहाँ पर एक्स एन का कोफिशियंट ए जीरो है, इसलिए बाहर में इसको ए जीरो रख दिया गया। अब इन तमाम फैक्टर्स को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो पहला अगर दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तीन फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, एन फैक्टर को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स एन आएगा। इसके बाद जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो इससे कम पावर वाले होंगे यानी एक्स टू की पावर एन माइनस वन, इसके कॉमन्स होंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन। इसी तरह एक्स टू दी पावर एन माइनस टू यह कॉमन निकल गया और यहाँ प्रोडक्ट और सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स यहाँ पर आएंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा वन अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन, और इसी प्रकार माइनस के साथ आएगा सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ द थ्री रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ थ्री सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ थ्री टेकन थ्री एट ए टाइम अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर एंड सो ऑन, इसका कॉमन एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री आएगा। और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी रूट्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड अल्फा एन। इसके बाद का कार्य है हमको कि दोनों तरफ जब इक्वेशन बैलेंस है तो इक्वेट करना पड़ेगा कोफिशिएंट्स इसके लाइक पावर्स ऑफ एक्स, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ दी लाइक पावर्स ऑफ एक्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट सबसे पहले एक्स टू दी पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं, राइट हैंड साइड से ए जीरो के साथ इतना मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा ए जीरो इनटू दिस मच दैट इज अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा, इधर एक्स टू दी पावर एन माइनस वन का यह कोफिशिएंट है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स टू दी पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट ए वन है। इसको अगर सम समीशन के फॉर्म में लिखा जाए तो सिग्मा अल्फा वन और इसको उस पार पहुंचा दिया जाए तो ए वन बाय ए जीरो और निगेटिव साइन उस पार चला गया दैट इज सिग्मा ऑफ अल्फा वन इज इक्वल टू माइनस ए वन बाय ए जीरो। सिमिलरली इसको बिठा देते हैं, सिमिलरली सेकेंड कोफिशियंट जो है एक्स टू दी पावर एन माइनस टू का उसका कोफिशियंट है अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन, और बाहर में इसके लिए एक प्रोडक्ट यहाँ पर ए जीरो भी है, और चूंकि यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए प्लस साइन भी देना है, और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में एक्स टू दी पावर एन माइनस टू का ये कोफिशियंट है, लेफ्ट साइड में एक्स टू दी पावर एन माइनस टू का कोफिशियंट कितना है ए टू, दिस इज ए टू। इसको फिर समेशन के फॉर्म में यदि लिखा जाए तो सिग्मा ऑफ अल्फा वन अल्फा टू इज इक्वल टू ए टू डिवाइडेड बाय ए जीरो। सिमिलरली थर्ड कोफिशिएंट हम लोग ले लें एक्स टू दी पावर एन माइनस टू और ये सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ द थ्री दैट इज ए जीरो इंटू माइनस निगेटिव साइन माइनस ए जीरो इंटू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा फोर एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन माइनस टू अल्फा एन माइनस वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू सम ऑफ द कोफिशिएंट्स एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री एंड कोफिशिएंट्स ऑफ हियर एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री ए थ्री। देयरफॉर राइटिंग इन समीशन फॉर्म इसको समीशन फॉर्म में लिखने पर दिस इज सिग्मा ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इज इक्वल टू
a3 divided by a0 with negative sign. This is negative sign. And finally, the product of all constant, product of constants, that is alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n with a0 is equal to an. So this is nothing but alpha 1, alpha 2, alpha 3 dot dot up to alpha n is equal to an divided by a0. These are the required relation. These are the required relation between the roots and the coefficients of an algebraic equation of degree n. अब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पर कंसीडर करें। क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है a जीरो एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स और प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है इसीलिए इसके एटमोस्ट थ्री रूट्स होंगे। मान लेते हैं इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। दीज आर दी रूट्स। सपोज करते हैं इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा ए जीरो से लेकर ए थ्री में क्या रिलेशन हो इसी को दिखाना है। पहले सम ऑफ द सिग्मा अल्फा दैट इज सिग्मा ऑफ अल्फा दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया माइनस ए वन बाय ए जीरो। यहां पर भी वही पोजिशन है ए वन बाय ए जीरो विथ निगेटिव साइन। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम दैट इज अल्फा बीटा that is alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma is equal to a2 divided by a0 with positive sign a2 divided by a0 and product of all three roots this is alpha beta gamma yahan sigma nahi lagana this is product of all three roots ek hi baar hoga alpha beta gamma and this is equal to minus of a3 by a0 first negative then positive then negative this can also be written as minus 1 to the power 1 a 1 divided by a 1 divided by a 0 this can be written as minus 1 divided power minus 1 to the power 2 a 2 divided by a 0 and this can be written as minus 1 to the power 3 a 3 divided by a 0 similarly if there be a biquadratic equation